हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये है हरियाली अमावस के शाम का वीडियो। हमने जब पूजा वगैरह की थी शाम के हरियाली अमावस की, उसके बाद हम सेक रहे हैं खाना, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी तो कचौड़ी सेकने के लिए रह गई थी, हम सेक नहीं पाए थे, तो अब जाके सेक रहे हैं फटाफट से। और गर्मी भी थी पहले, तो हम टॉर्च लगा के ही हमने सेकनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जल्दी हो जाता है यहाँ पे खाना पीना। फिर अभी लाइट आ गई तो फिर वीडियो भी बना लिया है। तो पापा वगैरह ने तो खाना खा लिया है, क्योंकि वे शाम को ही खा के फिर दवा वगैरह खा लेते हैं, जल्दी खा लेते हैं मतलब। और बस अब हम लोग भी खा रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए। खीर और कचौड़ी, चटनी भी बाटी थी हमने हरी धनिया। ये लगी है नीला अब स्पीड के साथ, स्पीड आ जाती है। तो किचन में क्या है ना, ये कॉर्नर में है सिंक, तो जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो यहाँ धुल नहीं पाते हैं, उतना स्पेस नहीं रहता है। तो जो खाना बनाने के बर्तन थे, चाय वगैरह बनाने के, वो नीलम किचन में ही धो ले रही है, किचन में ही धो ले रही है। और जो खाना खाने के सब लोग बाहर रख देते हैं, तो मैं बाहर के बाहर धो ले रही हूँ। तो ऐसे क्या है, जल्दी भी बर्तन धुल जाएंगे और जल्दी हो जाएगा सारा किचन का काम। तो बस यहाँ पर दोनों लोग कर रहे हैं, वहाँ पर नीलम सफाई कर रही है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ। क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि हमें मेहंदी भी लगानी है, क्योंकि मेहंदी आई थी, वो भी लगाने को रखी है। और अभी अयान के पापा भी रात में ही वहाँ से निकलने वाले हैं, रात की ट्रेन है उनकी, तो अभी भी उनसे ही बात हुई थी, तो बस वो अपनी तैयारी वगैरह कर रहे थे निकलने की सब। और मुझे भी पैकिंग वगैरह करनी होगी, तो वो मैं कल करूँगी। तो बस यहाँ पर आ गए हम लोग फ्री होके, टीवी देखेंगे, मेहंदी लगाएंगे। किस लिए लगवा रही हो? नमन देखेंगे। क्यों, अच्छे से लगाओ। अच्छे से लगाओ। कैसे लगाते हो बोलो, क्या तो ऐसे लगाई जाती है? ऐसे लगाई जाती है। अच्छे से लगाओ। अरे अच्छे से लगा, अभी अच्छा नहीं है। अच्छे से लगाओ। स्पाइडर बना दिया है। स्पाइडर? हाँ? आयन क्या कह रहा है? भैया कह रहा है स्पाइडर बनाया है। स्पाइडर नहीं लगाओ, क्या तो काम चलाओ ना, लगाओ। नहीं लगाओ, अच्छे से लगाओ। अच्छे से लगाओ। अभी टाइम 9 बज रहा है, खाना पीना किचन सारा काम हो चुका है, सारे काम से फ्री हो गए हम लोग। तो बस अभी जा रहे थे मेहंदी लगाने के लिए, नीलम जा रही है मेरे लिए मेहंदी लगाने, मेरे मेहंदी लगाने, क्योंकि हमने जो अभी पूजा की थी उसमें मेहंदी चढ़ाई थी, नीलम लेके आई थी मेहंदी, तो वही रखी हुई है। तो सावन में मेहंदी लगाना जरूरी होता है, तो इसलिए हम सब उनके लिए मेहंदी लगाएंगे। ये नहीं लगाने दे रही है मेहंदी, और नीलम डिजाइन बनाएगी। एकदम सही दिन नीलम लगा रही है मेहंदी, क्योंकि आज है हरियाली अमावस, और हरियाली अमावस के दिन या सावन में मेहंदी ज़रूर लगाते हैं। तो मैं आज यहाँ पर हूँ, तो मैं आज ही लगा ले रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मायके से जाते हैं तो मेहंदी ज़रूर लगाते हैं, और फिर सावन हो तो फिर बात ही अलग है। तो बस यहाँ पर फटाफट से नीलम ने इतनी जल्दी मेहंदी लगाई है, मतलब वैसे मैं लगवाती थी नंदनी से, तो वो डिज़ाइन के चक्कर में बहुत टाइम लगा देती, नीलम ने इतनी फटाक से मेरा हाथ भर दिया है। और वहाँ पर लग रही है शिवानशी की मेहंदी, क्योंकि उसकी मम्मी ने नहीं लगाई थी अच्छे से, तो वो दोबारा लगवा रही है अपने अच्छे से मेहंदी। और बस यहाँ पर यह मेरी लगी जा रही है, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी। और ये देखिए, मम्मी तो लगवाती नहीं है, मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें बार बार रात में दिक्कत होती है, वॉशरूम बहुत बार जाना पड़ता है, तो मना कर रही थी, लेकिन नंदनी ज़बरदस्ती उनके भी लगाए दे रही है। और आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि दी नंदनी इस बार आपके साथ जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो नंदनी अभी यहीं रहेगी, क्योंकि उसको जो है अपना फॉर्म वगैरह भरा है, तो उसको क्लास करने वगैरह भी जाना होगा, इस वजह से नंदनी फिर नहीं जाएगी, मैं अकेली ही जाऊँगी, हम और हयात रहा करेंगे अकेले। तो ये देखिए कम्प्लीट हो गई है मेरी मेहंदी, कितनी सुंदर लग रही है, देखिए पूरा हाथ भर के लगी है। और यहाँ पर नीलम अपनी लगाने में लगी हुई थी, पता नहीं क्या कर लिया उसने, मेहंदी की राखी बना रही है शायद, तो कह रही है कि रच जाएगी सुबह तो बहुत सुंदर लगेगी। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मुझे सब कपड़े धोने थे जो गंदे पड़े हुए थे, सारे धो के रखने हैं। ऐसी शायद निकली मेरी कपड़े धोने की, जैसे मैं कपड़े उठा के लाई हूँ वैसे बारिश शुरू हो गई है,
और कपड़े धोने से पहले ही मैं आप लोगों को मेहंदी दिखा दूं, क्योंकि धुलने के बाद थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। कि देखिए कितनी अच्छी रची है, क्योंकि अभी मैं धुलूंगी तो थोड़ा बहुत वैसी हो जाती है ना, कलर निकल जाता है। ये देखिए समझ में नहीं आएगा कि कैसा कलर आया था। ये देखिए नीलम ने लगाई थी वो ये वाली है, फिर बाद में नंदिनी ने लगाई थी ये देखिए थोड़ी सी, तो ये दोनों ही काफी अच्छी रची है। ये देखिए तो ज़्यादा तो नहीं है, दो चार जोड़ी हैं, क्योंकि मौसम सही नहीं है। आज से धो के डाल दूँगी, कल तक सूख जाएंगे, इसलिए मैं धो दे रही हूँ। क्योंकि वैसे मैं उठा के रख देती, मौसम मैंने जैसे देखा मैंने कहा नहीं धोऊंगी ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन फिर क्या है मैंने इनको ला के छत में ही डाल दिया था और वैसे ही बारिश होने लगी थी तो ये पूरे भीग गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने इनको सर्फ में गला दिया है। और ये देखिए ये रात में ट्रेन में बैठ चुके हैं आयन के पापा। ये देखिए आयन बहुत खुश हो रहा था देख के कि पापा आप ट्रेन में कैसे हो। तो बस वो निकल चुके थे तो बस वही बात हो रही थी उनसे। तो अभी रात में निकले हैं और आज मतलब रात भर चलेंगे, दूसरे दिन भर चलेंगे, तब अगले दिन पहुंचेंगे और यहाँ पर 2-3-4 घंटे ही रुक पाएंगे। उसके बाद में मुझे भी पैकिंग करना होगा, इसलिए मैं अभी से अपना थोड़ी बहुत तैयारी करने में लगी हुई थी क्योंकि टाइम नहीं है उनको। और यहाँ पर मैं आयान की जितनी भी दवाई वगैरह आए हैं ये सारी पैक करके रख दे रही हूँ, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह सब रख दे रही हूँ। क्योंकि क्या होता है फिर जब जल्दबाजी में जाने का टाइम होता है तब कोई पैकिंग करने को कहता है ना तो मन नहीं करता है करने का, बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं धीरे धीरे पहले ही कर लेती हूँ ताकि मुझे उस टाइम कोई कहे ना अपना सामान रख लो। ऐसा मेरे साथ नहीं, सभी लोगों के साथ होता होगा, जब उनके घर पे कहते हैं ना अपना सामान रख लो, ये रख लो, वो रख लो, तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं अपना एक दिन पहले ही कर ले रही हूँ। क्योंकि ये आ जाएंगे तो फिर मैं मतलब उतनी जल्दी जल्दी पैक कर नहीं पाऊँगी और ये यहाँ पर नीलम आटा खत्म हो गया, 4 घंटे ही रुक पाएंगे तो इसीलिए। और यहाँ पर नीलम लगी अपना गेहूँ वगैरह, तो मम्मी बरसात के पहले ही मतलब बारिश के मौसम से पहले ही धुलवा धुलवा के सुखवा के थोड़ा थोड़ा करके टंकी में भरवा के रखवा देती हैं गेहूँ। फिर क्या होता है फिर टाइम से बस जब पिसवाना हो तो छान के बीन के फटक के बस इस तरीके से पिसाता है। ये साफ रखा है गेहूँ लेकिन फिर भी एक बार इसको छान वगैरह ले रही है तो ये पिसने के लिए भेजना है। इतना डांस करती है इसमें कॉपीराइट आ जाता है, नहीं मैं गाने में डालती इसका डांस, बहुत स्टेप वाइज कर रही थी, गिर जा रही थी फिसल फिसल के। मैं इसकी मम्मी से कह रही उठा लो उठा लो, वो खुद ही उठ जा रही थी बिल्कुल। ये देखिए डांस कर करके थक नहीं रही थी मैं, इसका गाना डालने का मन कर रहा था बहुत, देखो मुझे बहुत डर लग रहा था गिर रही थी। उसकी मम्मी कह रही अरे वो उसका रोज का काम है उठ जाती है। और आयन को मैं भीगने नहीं दे रही थी क्योंकि ये थोड़ा सा भीगता है वैसे भी, इसका भी मन कर रहा था लेकिन मैं उसे उठने ही नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर क्या है बारिश वारिश के बाद में मौसम खुला था तो ये सारे कपड़े मैं फिर से उलट पुलट के डाल दे रही हूँ क्योंकि अंदर सारे इकट्ठे डाल दिए थे बारिश के टाइम पर, तो ये धीरे धीरे ऐसे ही डाल डाल के सब सूख जाएंगे। तो ये सारे कपड़े मैंने अभी बाहर निकाले हैं। और बस ये जितने कपड़े सूख उख गए थे इनको सबको मैं तय बना के रखती जा रही हूँ साथ ही साथ में। और अभी क्या है कि आयान का मुंडन वगैरह भी होना है क्योंकि या तो 3री साल में होता है या फिर 5वीं में होता है, तो आयान का अभी 5वीं शुरू हो जाएगी ना तो 5वीं में होगा, तो इसलिए अब हमारा और जल्दी ही आना होगा। तो अभी क्या है कि मैं अभी अकेली आई थी तो ऐसा है ना कि अकेले जाने में मतलब ससुराल नहीं जा पाते, अकेले पैर नहीं पड़ता, मायके में तो पड़ जाता है, और पापा जाने आने लायक है नहीं है और भाई पेट से परेशान रहता है तो बाहर का कुछ खा पी नहीं पाता है। तो अभी तो हम जल्दी में जा रहे हैं क्योंकि इसके भी स्कूल का लॉस हो रहा है, उसके बाद हम जल्दी आएंगे ताकि आयान वगैरह का मुंडन भी हो जाएगा। और मम्मी पापा से हम मिल ही चुके थे, अभी आए ही थे वाइजैग में तो उनसे मिल लिए, फिर और फिर जल्दी मिलेंगे आके तब मुंडन भी इसका करा लेंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बज रहे हैं, अभी चाय वाय पी है हम लोगों ने
और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा यही पास में एक पार्लर है और वो सिलाई भी करती हैं, मतलब कुछ सिलवाना वो भी करती हैं। तो उनके यहाँ डला है मेरा सिलने के लिए ब्लाउज एक, तो मैं जा रही हूँ लेने, ले आऊँ। अगर नहीं सिला होगा तो बोल आऊंगी ताकि वो थोड़ा जल्दी दे दे मुझे, तो उसी के लिए मैं नंदिनी को लेके जा रही हूँ। अभी चल रही होगी क्या? अभी आयन भी सो रहा है, चले आएंगे आराम से। तो यहाँ पे मूवी देखी आ रही है, कौन सी चल रही है? सावन मजाला देगा, सनम बेवफा। और ये देखिए नंदिनी जो अपने लिए स्लीपर लेके आई थी वही स्लीपर पहन के आ गई हूँ। तो इसके पैर बड़े हैं ना, तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, मतलब बिल्कुल आदमी हो जैसे बड़े बड़े पैर हैं नंदिनी के। तो ये जो पार्लर वाली है उनकी, ये देवरानी की बेटी है, बड़ी क्यूट सी, आके मेरी गोद में बैठ गई थी तो मैं उसी से बातें करने में लगी हुई थी। और जो नीलम साड़ी लेके आई थी ना मेरे लिए ग्रीन कलर की, उसका ब्लाउज उसने कटवा के और कल ही शाम को डलवा दिया था और उन्हें एक दिन के अंदर, एक ही दिन में सिल दिया। ये देखिए पूरा कम्प्लीट हो गया है। और सिलाई भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगती, वहाँ पर ब्लाउज की सिलाई तो 300 के कुछ है क्योंकि वहाँ पर महंगाई भी उतनी है और यहाँ पर 120 रुपये लगती है। और साथ में मुझे याद आ गया तो मैंने थ्रेडिंग भी करवा ली, मैंने कहा वहाँ अकेले रहूँगी, नंदिनी होगी नहीं तो मैं जा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने फिर साथ ही साथ ये काम भी करवा लिया। तो बस यहीं पर अभी मैं इस वीडियो को एंड करूँगी और आप लोगों को बोलूँगी बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।